समय स्मृति ईरानी जब सिर्फ 54 रुपए का सिलेंडर 540 रुपए का साढ़े तीन सौ से 540 का सिलेंडर होया, तो सर पे सिलेंडर को रख के और चूड़ियाँ पहन के उन्होंने माननीय हमारी सोनिया गांधी जी के खिलाफ और शहरी विकास मंत्री अजय माकन जी के खिलाफ ये नारा दिया था कि आप लोग चूड़ियाँ पहन के अपने घर बैठ जाओ। देश की हालत, देश की दशा बहुत ही दयनीय है, क्योंकि बीजेपी वालों की नियत में खोट है और इन्हें देश चलाने का जीरो भी ज्ञान नहीं है। न इनकी नियत सही है और न ही इनकी नीति सही है। ये करें अगर बीजेपी वाले करते हैं तो क्या हम करें, तो शहरगाही और आप करें तो आपका करेक्टर डीला। बीजेपी का कहना है कि देश में बढ़ती महंगाई और जीडीपी गिरती हुई, इसका सब जिम्मेदार कांग्रेस है। ऐसा है कि देश को बीजेपी चला रही है और कांग्रेस के टाइम में जीडीपी 9% था और इनके टाइम में आज 5 से भी नीचे है, तो कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हो गई? कांग्रेस ने तो 9% इनको डीजीपी दी थी, 9.8, और आज 5 से भी नीचे डीजीपी है। अगर सच कहें तो 2.5% है और इनके सारे आंकड़े झूठे, मोदी झूठा, आंकड़े झूठे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुभाष चोपड़ा जी, कैश के दाम वापस लो, कैश के दाम वापस लो। कांग्रेस के टाइम में 400 रुपए में गैस मिलती थी, आज 800 रुपए में गैस मिलती है। जब ये लोग बड़ा हल्ला मचाते थे बीजेपी वाले, और आज जब आज कांग्रेस के टाइम में, मनमोहन जी के टाइम में 415 रुपए की गैस थी, आज 790 रुपए की गैस हो गई। इनको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सुभाष चोपड़ा जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जय, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। बीजेपी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को समझ नहीं पाई है। देखिए 2014 से लेके जब से बीजेपी आई है, जिन मैनोफेस्टो में इन्होंने अपने बारे में बताया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसके बाद नोटबंदी करके जीएसटी लगा के आज सीए को एनआरपी को लेके लोग पूरे देश के अंदर हाहाकार मची हुई है, बेरोजगारी, ऊपर से महंगाई। जिस समय स्मृति ईरानी जब सिर्फ 54 रुपए का सिलेंडर 540 रुपए का साढ़े तीन सौ से 540 का सिलेंडर होया, तो सर पे सिलेंडर को रख के और चूड़ियाँ पहन के उन्होंने माननीय हमारी सोनिया गांधी जी के खिलाफ और शहरी विकास मंत्री अजय माकन जी के खिलाफ ये नारा दिया था कि आप लोग चूड़ियाँ पहन के अपने घर बैठ जाओ, महंगाई इतनी हो रही है। मगर आज क्या स्मृति ईरानी के अंदर या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किया था, आज व्यापार, बिजनेस, आम पार्टी, सीलिंग, महंगाई कहाँ कम हुई है, मेरे को आप खुद बताएं। देश की जनता दोनों ही पार्टी का मुखौटा जान चुकी है। अभी 1.5 महीने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और 1.5 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। दोनों पार्टियों को सत्ता से दिल्ली की जनता, जैसे अभी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा में ये 9-10 सीट आएंगी, झारखंड में वैसे ही दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी वापसी कर रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं और महंगाई की अच्छी तरह से वो समझती है। अटैक करा है, बाद में ये लोग सिखों पर अटैक करेंगे, ये इसकी चाल है।
ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं, एक अच्छा प्रधानमंत्री आएगा, कांग्रेस पार्टी से आएगा प्रधानमंत्री। ये ठीक नहीं है, नरेंद्र मोदी ठीक नहीं है। नहीं, नरेंद्र मोदी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो देश में जो है जातिवाद की जो है राजनीति डाल रहा है, भाई भाइयों को जो मिला रहा है, हिंदू मुसलमानों में जो ये आग लगा रहा है, ये देश हित में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में जो है हमारी बेइज्जती करा रहा है। ये प्रधानमंत्री केवल फेकू राम है, एक नंबर का बातें फेंकता है, लोगों को भ्रमित करता है, लोगों को कभी भी जो है रिलीफ नहीं देता ना। आज तक 5 साल में इसने कोई भी जो है विकास का कार्य नहीं किया है, केवल मंच पे जाके फेंकता है और जो है अपने भाड़े के टट्टुओं से मीडिया को जो है चलाता है। मैं खुलेआम से जो है इसको चैलेंज करता हूँ, अगर ये प्रेस निष्पक्ष भाव से खड़े होकर बातों को, लोगों की समस्याओं को इसके सम्मुख रखे, तो ये जो है इस सीट पर रहने लायक ही नहीं है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं देश में तो विकास हो रहा है। काय का विकास है? अरे विकास होता तो आज 17 साल का होता। ये वो व्यक्ति है जिसने अपना परिवार नहीं पाला, वो देश को क्या पालेगा? ये वो व्यक्ति है जो कहता है मैं तो झोला उठा के भाग जाऊंगा। देश के लिए अपना परिवार छोड़ कर आए हैं। किसने कहा देश के लिए परिवार छोड़ के आए? वो बेवकूफ बना रहा है आप लोगों को, मीडिया को भी भ्रमित करता है। उसने कोई परिवार नहीं छोड़ा अपना, उसने डिटेंशन सेंटर खोले हुए मुसलमानों के लिए, उसने बेवकूफ बना रहे वो बंदा। अभी विधानसभा चुनाव के बाद ये आएगा, माइनॉरिटी के ऊपर आएगा, इसलिए मैं मुसलमानों को भी सतर्क करना चाहती हूँ, ये उनको निकालेगा। 130 करोड़ मुसलमानों को लाइन में खड़ा किया जाएगा। ये दोनों अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी दोनों गुजराती, इन दोनों को गुजरात भगा देना चाहिए। दिल्ली सिर्फ सिखों की है, मुसलमानों की, हिंदू की है और क्रिश्चियंस की है, ना कि गुजरातियों की है। क्योंकि दिल्ली की जनता को इन दोनों गुजरातियों को भगा देना चाहिए। जब मोदी जी 2013 में आए थे, उन्होंने कहा देश ना झुकने दूंगा ना बिकने दूंगा, और अब क्या लगता है जिस प्रकार से कहा, अरे ये सब जो है पाखंडी है, ये सब पाखंड रचता है। केदारनाथ पे जाके कहता है मैं भरूं जो है बैठ के जो है शांति कर रहा हूँ, मन की शांति ले रहा हूँ। अगर वो मन की शांति लेना चाहता था तो मीडिया को साथ लेके क्यों गया? उसने अपनी टीआरपी बढ़ाई है, केवल वो अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहता है, मीडिया को जो है भ्रमित कर रहा है, इस देश की जनता को भ्रमित कर रहा है, झूठे प्रलोभन देता है। उसने यहाँ भी रामलीला मैदान पे ये कहा कि मैं जो है एनआरसी के और इसके ऊपर मुद्दे पे कोई बात ही नहीं थी, कॉलोनियों को जो रेगुलराइजेशन के बारे में बात थी। आज आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, देखिए, आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि एक भी कॉलोनी का कागज कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार सब कह देते हमारे पास ऑर्डिनेंस ही नहीं आया, हम किस बात से आपको जो है रजिस्ट्री का हक दे दें, किस बात से? लोगों को भ्रमित कर रहा है, केवल एक स्टंटबाज है, जुमलेबाज है, पाखंडी है, जगलर है, एक तरह का भ्रमित करता है, जैसे मैजिक मैजिशियन होता है ना, जनता के सामने ऐसे बॉल फेंकता है, इस तरह से वादों की लड़ी फेंकता है और लोगों को भ्रमित करके अपना जो है मिसमेरिज्म करता है, कोई इसका जनाधार नहीं है। लेकिन सर बीजेपी का कहना है कि जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, वो कांग्रेस की वजह से हो रहा है। कांग्रेस कहाँ से महंगाई बढ़ा रही है भाई साहब? किसानों को आज जो है लाले पड़े हुए हैं। आज हमारी कांग्रेस पार्टी जो है कह रही है हम किसानों को फ्री बिजली देंगे, 200 यूनिट जो है कमर्शियल फ्री देंगे, 600 यूनिट लोगों को फ्री देंगे, उस बात को जो है भ्रमित करता है। हम जब वादे करते हैं निभाते हैं, 5-6 स्टेटों में हम आए हैं, हमने जो है इनको पूरा किया है, देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर लाएंगे। आज 48 साल के अंदर कभी भी इतनी गिरावट पर देश की अर्थव्यवस्था नहीं आई है। लेकिन मोदी जी जब चुनाव लड़े थे 2013-14 में, उन्होंने कहा कि देश में महंगाई और महंगाई बढ़ा हुआ है, लेकिन अब कोई बयान नहीं देते। अरे भाई सब लोग डरते हैं उससे, मीडिया को जो है कैप्चर कर रखा है, पुलिस को जो है अपना पंगू बनाया हुआ है, पुलिस जो है जैसे CBI को कहा गया था ना कि हरियल तोता है, तोता पिंजरे में रहता है, वो सब बातें इसने अपने साथ लगा ली है और देश को भ्रमित करते हुए और देश को जो है नकार बना दिया इसने। आज इस सड़कों पर जितने भी देखे सब युवा लोग हैं, बेरोजगार हैं, मैं PhD किए हुए हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, किसके घर में जाके हम नौकरी करेंगे बताइए? तो क्या आपको नहीं लगता एक मजबूत प्रधानमंत्री और मजबूत काहे का मजबूत प्रधानमंत्री? ये तो मजबूर प्रधानमंत्री है भाई साहब, एक और बात, मजबूर प्रधानमंत्री है, कोई मजबूत नहीं है। अगर ये मजबूत होता आज हमारी GDP जो है 10 से ऊपर होती, आज हम कहाँ खड़े हैं विश्व में, सबसे नीचे अंतिम स्तर पर आ गए, धरातल पर लाकर छोड़ दिया है। क्या कर रहा है ये? देश की सारी बनी बनाई कांग्रेस की धरोहर को बेचकर खा रहा है, प्राइवेटाइजेशन।
कंपटीशन कर रहा है, कुछ चंद पूंजीपति लोगों के बीच में जो है ये बिका हुआ है, टारगेटेड किया हुआ है इसने। 20 आदमी जो है इसके साथ है और वो 20 आदमी इस देश को जो है खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। रेल को प्राइवेटाइज कर दिया, एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया, कहाँ से जो है ये देश चलेगा? ये देश उन नेताओं से चला था जो 125 साल पहले जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने बलिदानों की आहुति दी थी, भारत को आजाद कराने में इस कांग्रेस का संघर्ष रहा है। ये बीजेपी के लोग केवल दलाल थे, क्षमा याचना करते थे, मिल जाते थे। अभी तो दूध महंगा कर दिया इन्होंने, अब दूध महंगे के बाद में आप तुमने गैस सिलेंडर महंगा कर दिया। क्या हम भी बच्चे भूखे मरे, हस्बैंड भूखे मरे, हम भी मरे, इतनी महंगाई कर दिया, हर चीज महंगा कर दिया। हर चीज की तानाशाही चल रही है, हर चीज की तानाशाही चल रही है। आप देखिए कि अभी तो दूध महंगा किया, बच्चे भूखे मरे जा रहे हैं, चाय नहीं पी सकते, इतनी ठंड पड़ रही है, रेल का किराया भी बढ़ा दिया है, और किराया बढ़ा दिया सिलेंडर को, तो मैं खाना कहाँ से खाऊंगी, चाय कहाँ से पियूंगी? आप घर में रहती महिलाएं, कितना असर पड़ेगा इस महंगाई से? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है कि जब दूध महंगा किया तो सिलेंडर महंगा कर दिया, अब सिलेंडर महंगा कर दिया, प्याज महंगा कर दिया, अब गेहूं राशन महंगा है, आटा महंगा हो रहा है, चावल आ रहा है, सारी महंगाई है, क्या खाएंगे क्या जिएंगे? जो पहले महंगाई बढ़ी थी मनमोहन सरकार में, स्मृति ईरानी आती थी सिलेंडर उठाके, क्या कहना चाहिए? जब पहले महंगाई बढ़ाई थी तब स्मृति ईरानी जी चूड़ियां दिखा रही थी, अब स्मृति ईरानी से कहो ना कि आप मोदी सरकार को चूड़ी दिखाई है, अपने मोदी को चूड़ी पहनाई है, अपने क्या नाम अमित शाह को चूड़ी पहनाई है, आप क्यों नहीं चूड़ी पहना रही है? जबकि दुगनी महंगी हो रही, जब 80 रुपए किलो प्याज था तब चूड़ियां दिखा रही थी, आज 180 रुपए 200 में प्याज पहुंच चुका है, तो आप चूड़ी क्यों नहीं पहना रही है? सिलेंडर महंगा हो रहा है तो चूड़ी क्यों नहीं पहना रही? दूध महंगा हो रहा है तो चूड़ी क्यों नहीं पहना रही है? स्मृति ईरानी जी से ये कहो कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आज क्यों चुप लगा के बैठे हो। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुन्नी खातून है, दिल्ली प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट। देखिए ये जो सरकार जो आई है, इस सरकार ने इतनी क्या तुम्हें दुर्घटना कर रखी है। नरेंद्र मोदी ने क्या तुम्हें जगह जगह झगड़े फंसा दिए देख लीजिए, क्या तुम्हें महंगाई कमर तोड़ रही है, हम किचन में जाते हैं प्याज को लेके देख लीजिए, क्या तुम्हें अदरक को लेके देख लीजिए, सब्जियों को लेके देख लीजिए, सिलेंडर को देख लीजिए। जब ये कहते थे कि हम फ्री करेंगे नौकरी के लिए, कहते थे कि हम नौकरी देंगे, नौकरी हमारे नौकरी पढ़े लिखे जो सरकार ने वादे करे वो पूरे नहीं करे। सरकार ने वादे करे थे, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको पता है कितना उन्होंने पूरा कराया, किसी की नौकरी भी लगा दी और कहते पकौड़े तलो, वो पकौड़े तलेंगे, पकौड़े तलेंगे पढ़े लिखे बच्चे, शर्म आनी चाहिए उनको इस तरीके से। स्मृति ईरानी चूड़ियाँ दिखाती थी, दिखाती थी उसके ऊपर, देखा उन्होंने क्या करा महिलाओं के लिए, वो भी तो महिला है, वो भी तो किचन में जाती होगी, वो भी तो किचन का बजट देती होगी। प्याज जो महंगा हुआ है ये सब सियासत है, ये जो नारी प्याज है जो गुजरात का नासिक के सब एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, उसके बदले इम्पोर्ट कर रहे अफगानिस्तानी प्याज आ रहे हैं और ये टर्की के प्याज आ रहे हैं। मैं पूरी दिल्ली की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि अफगानिस्तानी और टर्की के प्याज ना खाए, ये सब इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो राजस्थानी प्याज और नासिक के प्याज है सब एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। और एक और बात है, जो राहुल गांधी जी ने जो अपना बयान दिया था रेप इन इंडिया, हाँ रेप इन इंडिया, तो मैं बोलना पूछा जाती हूँ नरेंद्र मोदी जी से रेप इन इंडिया में क्या गलत बोल दिया? क्या राहुल गांधी जी रेप इन जापान या रेप इन चाइना बोलते? जब इंडिया में रेप हो रहा है तो रेप इन इंडिया बोलेंगे? ये सारी फोर्स पुलिस अपने सुरक्षा के लिए लगाई हुई है, हमारे दिल्ली के माँ बहनों के लिए सुरक्षा की तरह है। सड़कों पे दिल्ली की गलियारों में स्मृति ईरानी, जेटली जी, नरेंद्र मोदी जी छाती ठोक ठोक कर कहते थे महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं। अरे भाई, उस समय 400 रुपए में सिलेंडर आता था, आज सिलेंडर जो है 800 के करीब पहुंचा दिया आपने, पेट्रोल 45-46 रुपए आता था, आज 70 रुपए के नजदीक हो गया है, 68 रुपए डीजल आ रहा है, पीएनजी गैस के रेट क्या बढ़ाए आपने? पिछले एक साल का डाटा आप गूगल से उठाइए, गैस के रेट निरंतर बढ़ते जा रहे हैं,
कभी 56 रुपए, कभी 100 रुपए, अभी 19 रुपए बढ़ा दिया है। ये जो है डायरेक्ट हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार है और एक सीधा सीधा उनके ऊपर हमला है। ये हमारी गृहणियों के लिए जो है एक प्रकार से अभिशाप साबित हो रहा है। हमारा प्रधानमंत्री ये झूठे वादे देकर आप लोगों के समक्ष आया था, लेकिन अब भारत की जनता जाग चुकी है। अब देखिए कहाँ ये छाती ठोक के कहता था कि मैं भारत जो है कांग्रेस मुक्त कर दूंगा, आज किस कगार पर खुद आ गया है कि कुछ ही स्टेटों में, चंद स्टेटों में बचा है, जहां जहां इलेक्शन होते जाएंगे ये बीजेपी मुक्त स्टेटें होती चली जाएंगी। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।